दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी तो ट्रेन में यात्रा जरूर किए होंगे और आपने ट्रेन के सबसे लास्ट बोगी में एक आदमी जो हरा झंडा लेकर खड़ा होता है उसे जरूर देखा होगा। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये होता कौन है और इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनका नाम रेलवे गुड्स गार्ड होता है, जो कि रेलवे विभाग का एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है और इसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी होती है। तो अगर आप भी रेलवे गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि रेलवे गुड्स गार्ड कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे गुड्स गार्ड कैसे बने इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि रेलवे गुड्स गार्ड क्या है और इसका क्या काम होता है, रेलवे गुड्स गार्ड बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, सैलरी कितनी होती है और भी बहुत सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको रेलवे गुड्स गार्ड से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं रेलवे गुड्स गार्ड क्या होता है और इनका क्या काम होता है। दोस्तों, यदि हम रेलवे गुड्स गार्ड की बात करें तो रेलवे गुड्स गार्ड वह होता है जो मालगाड़ी के सबसे पीछे वाले डिब्बे में होता है, जिसे हम रेलवे गुड्स गार्ड या रेलवे माल गार्ड भी कहते हैं। रेलवे गुड्स गार्ड का काम ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन चलाने और रोकने की इजाजत देना होता है, यानी कि ट्रेन कब चलेगी और कहां पर रुकेगी, ये सारा कंट्रोल रेलवे गुड्स गार्ड के अंदर होता है। इसके अलावा इनके अन्य कई कार्य होते हैं, जैसे कि समय समय पर रेलवे स्टेशन मास्टर से किसी भी ट्रेन के बारे में सूचना लेकर ड्राइवर तक पहुंचाने का भी काम करता है। यह इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकते हैं। यह ट्रेन का इंचार्ज होता है और इन्हें ब्रेक मैन के जैसे कार्य करने होते हैं। इनका काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि रेलवे गुड्स गार्ड को ट्रेन के सबसे लास्ट वाले डिब्बे में अकेले सफर करना पड़ता है, जिसके दौरान उनको कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे रेल के सबसे पीछे वाले डिब्बे में अकेले सफर करने के दौरान उनको थोड़ा डर का सामना करना पड़ता है, गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी सहन करना पड़ता है, इसके अलावा और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए अब जानते हैं रेलवे गुड्स गार्ड बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, एंड रेलवे गुड्स गार्ड बनने के लिए कैंडिडेट शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और कैंडिडेट में कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट की देखने की दूरदृष्टि 6x9 तथा निकट दृष्टि 0.6 होना चाहिए बगैर चश्मे के। एज लिमिट, रेलवे गुड्स गार्ड बनने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ छूट भी दी जाती है। जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि आप 18 से 36 वर्ष के बीच रेलवे गुड्स गार्ड बन सकती हैं। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि आप 18 से 38 वर्ष के बीच रेलवे गुड्स गार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रेलवे गुड्स गार्ड कैसे बने, इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही आप रेलवे गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड समय समय पर रेलवे गुड्स गार्ड की भर्ती आयोजित करता है, जिसकी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दी जाती है। तो आपको उसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद रेलवे गुड्स गार्ड बनने के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देनी होती है, और इस कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में सबसे पहले CBT 1 की परीक्षा देनी होती है। यदि आप CBT 1 की परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको आगे CBT 2 की परीक्षा देनी होती है। अगर आप CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं तो आपको आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है।
मेडिकल टेस्ट में आपके शरीर की पूरी तरह से जांच की जाती है। यदि आप मेडिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद आपको रेलवे गुड्स गार्ड के ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है एंड ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको पद पर नियुक्त किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो रेलवे गुड्स गार्ड का सिलेक्शन 3 चरणों में किया जाता है, CBT 1, CBT 2 और मेडिकल टेस्ट। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 या प्रथम चरण का लिखित परीक्षा होता है। इसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी 4 विकल्प दिया जाता है, उसमें से किसी एक सही विकल्प को चुनकर उत्तर देना होता है। यह क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ता है। CBT 2 प्रारंभिक लिखित परीक्षा पास करने के बाद कंप्यूटर आधारित मेन एग्जाम होता है। इसमें भी मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह CBT 1 से थोड़ा कठिन होता है और इसी के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। मेडिकल टेस्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दोनों चरणों को पास करने के बाद छात्र को रेलवे विभाग द्वारा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन के बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कैंडिडेट को रेलवे के अंतर्गत गुड्स गार्ड पद पर नियुक्त किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं रेलवे गुड्स गार्ड की तैयारी कैसे करें। रेलवे गुड्स गार्ड परीक्षा को पास करने के लिए आपको लक्ष्य के साथ पढ़ाई करनी होगी। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, एक डेली रूटीन बनाइए, रेलवे से आधारित पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पेपर को हल करके और उनके हिसाब से अध्ययन करें। तो चलिए अब जानते हैं रेलवे गुड्स गार्ड का फॉर्म अप्लाई कैसे करें। सो आप रेलवे विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती अधिसूचन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे गुड्स गार्ड भर्ती की जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यूज़पेपर, इंटरनेट आदि के माध्यम से रेलवे जॉब की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी रेलवे गुड्स गार्ड्स की कोई भर्ती आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आइए अब जानते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में कि रेलवे गुड्स गार्ड की सैलरी कितनी होती है। तो गुड्स गार्ड के रूप में आपको अच्छा वेतन मिलता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे गुड्स गार्ड का वेतन 29,200 रुपए प्रति माह होता है। इसके अलावा ग्रेड पे 2800 भी उपलब्ध है। इसके अलावा माल गार्ड को कई भत्ते भी दिए जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि गुड्स गार्ड को रेलवे में बहुत ही अच्छी खासी वेतन मिलता है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि रेलवे गुड्स गार्ड क्या होता है और रेलवे गुड्स गार्ड कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के नए वीडियोस आप रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।